जेईई और नीट की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में सबसे पहले एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर आपके एक दो तीन क्वेश्चन इसमें मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं, बताए जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है यही कहीं क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 11th 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है कई साल पहले, पर कंपटीशन में पूरी तरह से है। और ये है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, परंतु ट्राई टू अंडरस्टैंड, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से यू स्पीड से अगर थ्रो किया जाए तो इसका पाथ पैराबोलिक होगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इतना सबको पता है, इतना तो सबको पता है, परंतु अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसी इंक्लाइन प्लेन पर हो तो इसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो से निश्चित रूप से क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो या हॉरिजॉन्टल पे हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही मेजर होगा। क्लियर, एंगल अब भी हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा। यहां जाके प्यारे बच्चों, इसके लिए चंद फॉर्मूले नोट कर लें। पहला फॉर्मूला, टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था 2u sin θ / g, 2u sin θ या अल्फा अपॉन जी, जो आपको ऑलरेडी लर्न। अब यहां पे ऊपर अल्फा माइनस बीटा कर दोगे जी के साथ कॉस बीटा की इंटू, बीटा को जीरो रखते ही हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूले वेरीफाइड हो जाने चाहिए। जीरो कॉस जीरो वन हो जाएगा, जी आ जाएगा नीचे, और टू यू साइन अल्फा बचेगा, अल्फा माइनस जीरो हो गया। दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न। नंबर, मैक्सिमम हाइट का कोई फॉर्मूला लर्न ना कर, ना उसका अस्तित्व है। हॉरिजॉन्टल से नापा जाएगा, हॉरिजॉन्टल है नहीं है इंक्लाइन, तो आप हाइट के उसे मत पढ़ना किसी फॉर्मूले में। रेंज, टाइम पीरियड एंड रेंज हॉरिजॉन्टल में होती थी u² sin 2θ / g, और साइन टू थीटा को हम लिख देते थे 2 sin θ cos θ, तो बनता था 2u² sin θ α, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, 2u² sin θ cos θ / g, यहां अल्फा। अब क्या करते हैं इंक्लाइन प्लेन में साइन वाले फैक्टर में से अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और नीचे जी कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा को जीरो रखते हुए पुराना वाला फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला लर्न हो, हर हाल में लर्न हो, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी। u² / g मैक्सिमम रेंज हुआ करती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पर। अब यहां 1 + sin β और लगा दो और ये होगा अल्फा वैल्यू 45 डिग्री को दी पहले और प्लस β/2 और जो, ओके, इतना काम आप नोट कर, नीचे से ऊपर फेंकने पर यह कार्रवाई होगी।
और बड़े आराम से सुन लें, अगर ऊपर से नीचे फेंकना है तो हर बीटा की जगह माइनस बीटा रख के सारे फॉर्मूले काम करेंगे। एवरीवेयर बीटा रिप्लेस्ड बाय माइनस बीटा। अल्फा अब बीबी हॉरिजॉन्टल से ही नापा जाएगा, ये सावधानी बरतनी है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। इसके बाद में अब तीन क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं इस समय, ये मैं बताने जा रहा हूं और आपके पास जो मेटेरियल है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन करने शुरू कर दें और तुरंत ही जो दिक्कत आती हो मुझसे पूछ लें। सुविधाएं हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप फोन नंबर किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो वेट थ्री क्वेश्चन। और अब देखिए थ्री क्वेश्चन 155, 156, 157, 155। ए प्लेन सरफेस इज इंक्लाइंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द दिस इंक्लाइंड प्लेन ए बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी v। The maximum possible range of the bullet on the inclined plane is the maximum possible range of bullet on the inclined plane is maximum range। चार ऑप्शन दे रखे, क्या होना चाहिए? V square upon G हॉरिजॉन्टल केस के लिए था, नीचे वन प्लस साइन थीटा, ये फॉर्मूला केवल उसके बेस पे था, फॉर्मूला बेस पे था। 156, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल with speed v from the top of a plane inclined at an angle 45 degree with horizontal। पे है और उसके टॉप पे से horizontal। ए बॉल प्रोजेक्टेड horizontal विद स्पीड v से थ्रो कर देंगे। How far from the point of projection will the ball strike the plane? ये रेंज है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो दिस रेंज इज यू स्क्वायर, यू वी रखा है 2v² साइन अल्फा माइनस बीटा cos alpha upon g cos square b। alpha जीरो, horizontal से कितना एंगल बनाते फेंका जाता है, जीरो माइनस, अब माइनस से क्या जाएगा अभी बताया था कॉन्सेप्ट में, प्लस ऊपर से नीचे है तो प्लस, alpha माइनस बढ़ेगी alpha प्लस बीटा, बीटा इज 45 डिग्री, cos 0, g cos square beta is 45 degree। फॉर्मूला यूज किया है और बीटा इज माइनस बीटा रख दिया गया, यहां माइनस बीटा रखोगे तो प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर के कारण। cos 0 इज 1, 2v² sin 45, 1 by अंडर रूट 2, cos 0 इज 1, g एंड 1 by अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1/2, तो फिर कौन जाएगा 2 × 4, यानी 2 और 1 2 अंडर रूट टू v² अपॉन जी, 2 अंडर रूट 2 v² अपॉन जी, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, वन फिफ्टी सेवन। एक डायग्राम दे रखा, पहले वो बनाता हूं जो दे दिया हुआ है। थर्टी डिग्री और इसके परपेंडिकुलर दिखाई जा रहा है इसको, यू स्पीड ये शो कर रखा है। ऐसे फेंका तो ऐसे गिरेगा, ये डायग्राम दिया हुआ। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, ये लिखा हुआ नहीं, ये हो विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन सी। इसमें भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, दिखा दे रहा बोर्ड में 10 होगा, नहीं दिखा तो 10, इट इज 10 टू द हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन। रेंज ऑफ द बॉल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज, इंक्लाइंड प्लेन में रेंज कितनी होगी। तो आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लें, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, टोटल 90 था तो ये 60 होगा। अल्फा हॉरिजॉन्टल सही नपेगा, बार बार आपको सावधान कर दिया गया है। सो इट्स रेंज 2u² साइन अल्फा माइनस की जगह बीटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे हो रहा है मोशन, कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। इस वीडियो में बिल्कुल साधारण क्वेश्चन थे, लो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियोस में, या जो आप पूछेंगे उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इमीडिएट स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक्स में या कहीं नोट्स में कहीं कहीं वो ये कहता है ये बीटा है और अल्फा यहां से ना पावा है, तो फॉर्मूले चेंज नहीं, ठीक है। इसलिए आप ये फॉर्मूले तब नोट करेंगे, तब ध्यान रखेंगे कि एंगुलर हॉरिजॉन्टल से नापा गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्लीन जानकारी इस बात की रखें। यस, 2u² 10 का स्क्वायर 100 साइन अल्फा 60 हुआ, 60 प्लस 30 90 कॉस अल्फा 60 अपॉन जी की वैल्यू नहीं दी है और ऑप्शन कुछ टाइप का है 40/3 80/3 30/20 30/40, तो जी की वैल्यू अगले हम लोग वक्त देखते हैं देख लेंगे उसको। कॉस स्क्वायर 30 बीटा आपका 30, ओके। तो 200 साइन 91 हो गया, कॉस 61.2 हो गया, जी की वैल्यू कॉस 30 अंडर 3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, पूरे हालात 10 लेने के हो रहे हैं, ओके। 2 से काट के 100 हो गया, 10 से काट के 10 बचेगा और 4 ऊपर जाएगा, 40/3 मीटर आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। फॉर्मूले शुड बी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद क्वेश्चन जितने ज्यादा करो उतने ही कम है, मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंटली होके करें, ओके।